प्रिय मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यास के साथ आप लोग मेरे वीडियो को, प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका भारी हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। चंद्र बुध मंगल सूर्य गुरु, ये पांच ग्रह आपस में मित्र हैं। इनका प्रभाव क्या पड़ता है क्या नहीं, जिसके लग्न में चंद्र बुध सूर्य मंगल गुरु बैठा है, ऐसे तेजस्वी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, मेहनती होते हैं, लगनशील होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, व्यक्ति को पहचानने की इन्हें क्षमता होती है। जिसके दूसरे भाव में चंद्र सूर्य बुध मंगल गुरु बैठा हो, ऐसे लोग चैत्रवान होते हैं, अच्छी सोच होती है, ऐसे लोग गलत कार्य नहीं करते हैं, ऐसे लोग अपने परिश्रम, अपने मेहनत से कमाते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में चंद्र बुध मंगल सूर्य गुरु बैठा हो, ऐसे लोग समाज सेवक होते हैं, सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा इनको मिलती है, बड़ों का इज्जत करते हैं, माता पिता का इज्जत करते हैं, ईश्वरवादी होते हैं, चैत्रवान होते हैं। जिसकी कुंडली में चौथे भाव में चंद्र सूर्य बुध मंगल गुरु बैठा हो, ऐसे लोग जीवन में राजा के समान उन्नति करते हैं, उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, उद्योगपति बनते हैं, राजनेता बनते हैं, IAS IPS बनते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में चंद्र बुध सूर्य मंगल गुरु बैठा हो, ऐसे लोग कई विद्या के ज्ञाता होते हैं, व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। जिसके छठवें भाव में चंद्र सूर्य बुध मंगल गुरु बैठा हो, ऐसे लोग की सोच अच्छी होती है, ऐसे लोग व्यक्ति को पहचानने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग कभी केस मुकदमा नहीं लड़ते हैं, ऐसे लोग समाज में, देश में अपने नाम से जाने जाते हैं। जिसकी कुंडली में सातवें भाव में चंद्र सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग विवादों में रहते हैं, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता है, शादी विवाह में रुकावट आती है, ऐसे लोग को परिश्रम का सही लाभ नहीं मिलता है, नौकरी में उन्नति नहीं होती है, व्यापार में घाटा खा जाते हैं। जिसके कुंडली में आठवें भाव में चंद्र सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ये मानसिक शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग कि बुद्धि चलायवान होती है, स्थिर बुद्धि नहीं होती है, जिसके कारण ये कभी उन्नति नहीं कर पाते। जिसके कुंडली में नौवें भाव में चंद्र बुध सूर्य मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, ऐसे लोग के पास जो भी इज्जत प्रतिष्ठा रहती, धन दौलत रहती है, स्वयं की बनाई हुई रहती है, ऐसे लोग का कभी चरित्र खराब नहीं होता है, ऐसे लोग कभी कर्जदार नहीं होते हैं, कभी मुसीबत में नहीं जाते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में चंद्र सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी सफल नहीं होते हैं, ऐसे लोग मेहनत का सही लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोग कर्जदार भी हो जाते हैं। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में चंद्र सूर्य बुध मंगल गुरु राहु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, व्यापारी होते हैं, व्यापार में अच्छा धन दौलत कमाते हैं, करोड़ों रुपया पाते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में चंद्र सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग सोचे हुए जीवन के अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं, राजा के समान जीते हैं,
ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, उदार होते हैं, दयालु होते हैं, मेहनती होते हैं, समाज सेवक होते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने हमने प्रस्तुत किया कि सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मुझसे विवेचन कराने की ख्याल रखते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन करूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, सुबह सुबह।